खंडवा शहर की सबसे पहली हाईटेक रेजिडेंशियल कॉलोनी जिसमें पहले ही दिन आधे से ज्यादा प्लॉट बिक गए। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। अरे रुको, अरे पुलिस प्रशासन लोगों को है, चूड़ी पहन लो तुम जाके सब। तुम्हारे पास हथियार है ना, तुम्हारे पास सेफ्टी है। अरे तुम्हारे पास सेफ्टी है, रुको। अरे तुम्हारे पास सेफ्टी है। अरे उनके पास पत्थर और हथियार कमान है। सुना आपने, वापस आओ, तुम्हारे पास सेफ्टी है, उनके पास पत्थर है तो तुम्हारे पास सेफ्टी है, हथियार है, लट है और आप सभी पुलिस प्रशासन हो, आप उल्टे पैर दौड़ क्यों लगा रहे हो, ऐसा कैमरे पर आपने वीडियो में सुना। दरअसल आपको बता दें, ये जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के नेपा नगर की घाघरला तहसील का है, जहाँ पर SF और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि नेपानगर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से जंगलों की कटाई हो रही है और वन अतिक्रमणकारियों का डर ऐसा है सिस्टम में कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और उनके हाथ बंधे होने का ये वीडियो साक्षात आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि वन अतिक्रमणकारियों की बदमाशी ऐसी है कि बुरहानपुर हो या खंडवा हो, खंडवा की गुड़ी फॉरेस्ट एरिया में दो वन चौकी का निर्माण होना है, लेकिन उनकी जो बदमाशी है उसके चलते वन चौकी आज तक नहीं बन पाई। नेपानगर में भी कुछ इसी तरीके का जो नज़ारा है वो प्रतिदिन देखने को मिलता है। वहाँ पर कभी वन अतिक्रमणकारी फॉरेस्ट विभाग की बंदूकें लूट लेते हैं, कभी उन पर हमला कर देते हैं, तीर गोफान पत्थर से हमला किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो वन अतिक्रमणकारी हैं ये पत्थर मार रहे हैं और पत्थर भी आपको दिख रहे हैं। बड़ी रिस्क लेकर जो संबंधित व्यक्ति है वो वीडियो बना रहा है, दौड़ भी रहा है, वीडियो भी बना रहा है, कहीं ना कहीं रिस्क भी रहता है, ऐसी रिपोर्टिंग करना हमेशा रिस्की रहता है। और वन कर्मचारी सहित SF के जवान भागते हुए नज़र आ रहे हैं, दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर हमला हुआ, गुफान मारे गए, तीर मारे गए, पत्थर मारे गए और ये नज़ारे प्रतिदिन नेपानगर में देखने को मिलते हैं। आपको इस वीडियो को देख के साफ नज़र आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इतने सारे पुलिसकर्मी जिनके हाथ में लट हैं, सेफ्टी के टूल हैं, हेलमेट पहन रखे हैं, देश की रक्षा करने वाली वर्दी है और खाकी वर्दी है, पर इनको ताकत नहीं दी गई, इनके हाथ बांधे हुए हैं, वोट बैंक की राजनीति ने इन सबके हाथ बंधवा रखे हैं। अगर आप विश्वास मानिए, ये जो जवान है ना, इनको अगर खुली छूट दे दी जाए तो मजाल है, एक भी पत्थर ये खा लें, और जितने भी वन के अंदर छुपे हुए लोग हैं जो इस तरह की बदमाशी करते हैं, एक एक को ढूंढ निकाल के ये लोग सीधा कर दें और जेल की सलाखों से बाहर नहीं आने दें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतने हरे हेलमेट आपको दिखाई दे रहे हैं, देश की रक्षा करने वाली फौजी ड्रेस की इन्होंने सेफ्टी टूल पहन रखी हैं, इनके हाथों में प्लास्टिक के पत्थर रोकने वाले टूल्स हैं, हाथों में लट हैं, बंदूकें हैं, लेकिन इन सबको ताकत नहीं दी गई। इसलिए जो सामने वाले लोग हैं उनको इतनी ताकत है क्योंकि वो वोट बैंक हैं, उनके साथ बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जो उनके एक आदमी के घायल होने पर भी किसी भी जिले के कलेक्ट्रेट में भीड़ लगा देते हैं, वहां पे हजारों आदिवासी इकट्ठा कर देते हैं। आदिवासियों को हाथ लगाना मतलब कुर्सी हिलना है किसी भी सरकार की। इसलिए पुलिस प्रशासन को इस पूरे सिस्टम ने इतना कमज़ोर कर रखा है। इस तरह की वीडियो जब सामने आएगी तो ये जो वर्दी पहने लोग हैं इनका मनोबल क्यों नहीं कम होगा, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चार पत्थर लेकर मारने वाले लोगों के पास जब ताकत रहेगी, उन्हें किसी से परमिशन नहीं लेनी, लेकिन एक गोली चलाने के लिए, लट चलाने के लिए इनको दुनिया भर की परमिशन चाहिए। ऐसे में सिर्फ ये डमी लोग हैं जो सैकड़ों की संख्या में है पुलिस प्रशासन की ओर से, और वो लोग जंगल के शेर हैं जो इतनी आप देख रहे हैं, इनकी संख्या और पुलिस की संख्या देखेंगे तो आपको ज्यादा लगेगी पुलिस की संख्या। SF के जवान हैं जिनको अगर ताकत दे दी जाए तो ये जितने दिख रहे हैं ना, ये आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे, ऐसे दौड़ते नजर आएंगे कि ये जिंदगी में नहीं दौड़े होंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जितने पुलिस के जवान और SF के जवान आपको दिख रहे हैं, ये इतने कमजोर कर दिए गए हैं, इतने
इतने असहाय कर दिए गए हैं कि अब ये वापस दौड़ते हुए मजबूर हो रहे हैं। बहुत से पुलिसकर्मियों का, एसएफ के जवानों का स्वाभिमान को ठेस लगती है जब उन्हें ऐसा वापस दौड़ना पड़ता है। आप विश्वास मानिए, इनमें इतनी शक्ति है कि ये एक एक आदमी को ढूंढ के ले आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो जिम्मेदार है उन सबके, वो जो पत्थर मार रहे हैं वो वोट बैंक हैं, वो उनके बहुत प्यारे हैं। पुलिस के जवानों और एसएफ के जवान हो, सिस्टम हो, जंगल हो, इनसे जवाबदारों को कोई प्यार नहीं है, ऐसा आज की वीडियो में स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। अरे इनको लो ना, इनको मारो ना, इनको मारो ना, इनको मारो ना, इनको इनको अरे हाँ ना, वही तो कर रहा मैं। अरे एक बार, अरे सब एक साथ में भागो, सब एक साथ में भागो, भागेंगे चार को लगेगा किसको क्या। अरे इधर भी खड़े, इधर भी खड़े, दो चले अरे ग्रुप नंबर 3। जी हाँ, जल्द ही अपने शहर में होगी ए क्लास लेवल की कॉलोनी द सिंगापुर सिटी, जिसमें होगी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, हाईली एडवांस सीसीटीवी, साइबर सिक्योरिटी, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस विथ 3-स्टार रेटिंग, रेस्ट रूम, बैंक्वेट हॉल और भी कई एडवांस फीचर्स। पता हरसूद रोड श्याम रिजॉर्ट के पास, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827314401।